कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के जून के महीने के राशिफल की, देखते हैं उनका किस प्रकार से ये मंथ निकलेगा जून का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, आपको अपने जीवन के बारे में जानना हो, चाहे नौकरी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे संतान के बारे में, मैरिज के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, और फीस के बारे में जानने के लिए, कोर्स के लेंथ के बारे में जानने के लिए आराम से, आनंद से, जिनको भी स्पिरिचुअल तरीके से ज्योतिष पढ़नी है अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो जून का जो ये मंथ है दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ चैलेंजेस लेके आ रहा है। मैं पहली बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए इस महीने का मंत्रा है, मेरे हिसाब से जो बन के आ रहा है या आप लोगों को उचित लगे, जो भी काम करिए बहुत दूरदर्शिता से करिए। मतलब जो भी काम आपके लाइफ पैटर्न का जो भी है, चाहे घर हो, परिवार हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, किसी चीज़ों को भी देखते हुए दूरदर्शिता से काम करिए, उससे आपके सारे काम सफल होंगे। पहली बात तो, दूसरी बात, थोड़ा सा जो है आप अपने आप में प्रैक्टिकल ज़्यादा और लॉजिकल ज़्यादा बनिए इस महीने। किसी प्रकार का कोई एकदम से हार्श कोई स्टेप उठा लेना, किसी प्रकार से रिएक्ट कर देना किसी चीज़ को लेके, अब वो चीज़ें कई हो सकती हैं, चाहे वो प्रॉफिट्स को लेके हो, काम को लेके हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, तो वो जो इमीडिएट रिएक्शन आपका होगा वो कई चीज़ें ख़त्म कर सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से बढ़ सकती हैं आपके जीवन में, ये कतई भी ना करें। हाँ, घर परिवार में आप लोगों का अवश्य जो है बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित होगा, कई चीज़ें वहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम दे रही होंगी, किसी प्रकार के इमोशनल आपको चीज़ें जो है दिक्कत दे रही होंगी, चाहे वो काम से लेके हो, घर परिवार में कोई चेंजेस करने हो, या आप वहाँ पे टाइम दे रहे हो किसी प्रकार का, कोई रेनोवेशन हो, कोई भी चीज़ों का पॉइंट हो सकता है। साथ में आपकी मदर की तबीयत का भी देखिए कुछ इशू हो सकता है, तो उसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए, बहुत कूल हेड से लीजिए, शांतिपूर्वक सारे काम आप अपने घर पे भी निपटाइए। किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी टेंशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम देखिए लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ सकती है। पैसा मैं अवश्य देख सकता हूँ कि फैमिली में आपके सपोर्ट है, साथ में लोग काम आपके साथ दे रहे हैं जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके परिवार में, लेकिन कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी प्रकार का जो है कोई दूरी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अवश्य चल रही है। तो इस समय साथ देने का टाइम है कलेक्टिवली आप लोगों को एक दूसरे का, खास तौर से लाइफ पार्टनर्स के साथ। थोड़ी सी किसी प्रकार में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तनातनी चल रही है या उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो ध्यान देने का ये विषय है। और आपस में तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ये सब करके बिल्कुल भी मत रहिए, नहीं तो वो चीज़ें बढ़ेंगी जून के महीने में, वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है वो लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ जाएंगी, बातचीत, लड़ाई झगड़ा, फिर किसी प्रकार का कोई आपस में अगली डिस्प्यूट, ये सब चीज़ें भी हो सकता है। हिम्मत, करेज मैं ये कहूँगा आपकी रहेगी, भाई बहनों का साथ, आपके मित्रों का साथ आपको मिलेगा, कई प्रकार की नई योजनाओं पे आप काम भी करेंगे, करना चाहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे उस चीज़ के लिए। कोई ऐसे काम जो आप यूं कह सकता हूँ अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके बन जाएंगे, जो आपने शायद सोचे भी हों उनके लिए काम कर रहे हों,
कोई किसी तरीके से पर्दे के पीछे रह के कोई ऐसे काम जो शॉर्टकट के द्वारा होते हों लेकिन वो सही शॉर्टकट हो, या बीच में किसी तरीके की एक्स्ट्रा इनकम एकदम से आपको हो जाए जो आप काम करते हैं उससे हट के एकदम से कोई काम आपका बन जाए, कोई नौकरी आपको नहीं मिल जाए, किसी प्रकार के आपके रुके हुए काम हल हो जाएं बातचीत से, कम्युनिकेशन से, समझदारी से, किसी के बीच में पड़ने की वजह से, तो ये सब चीज़ें आपके साथ सुंदर हो सकती हैं। वही चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, प्रॉपर्टी को लेके किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है, बच्चों की वजह से आप चिंतित हो सकते हैं या उनकी किसी प्रकार से प्रकार की तबीयत खराब हो सकती है, कई नई चीज़ें शुरू करना चाह रहे हों उसमें डिले हो सकता है, फंड्स की कमी हो सकती है आप लोगों को, जबकि आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो अपने जीवन में अगर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं जैसे, वो अपने जीवन में अच्छा तरक्की करते हुए नज़र आएंगे, उनकी इनकम का सोर्स जो है ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी सावधानी का समय है, थोड़ा कॉशन से चलिए, अनएक्सपेक्टेड आपके पास प्रॉफिट्स बने हुए हैं जो काम आप कर रहे हों, और हाँ विदेश से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हों किसी भी प्रकार का वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, यात्राएं मैं नहीं कहूँगा कि आप करिए इस महीने, वो आपके लिए परेशानी दे सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स दे सकती हैं आपको किसी भी प्रकार की, और 14-15 मई के बाद, जून के बाद तो क्षमा करिएगा, 14-15 जून के बाद तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप जो हैं यात्राओं की तरफ जाइए, बचिए। हाँ कोई ऐसे गलत आदतों में पड़े हुए हों किसी प्रकार के, स्टॉक्स हों, गैम्बलिंग हों, इन चीज़ों से बचिएगा, अधिकारियों से लड़ाई होने की आपकी बहुत संभावना बनती है, पिताजी की तबीयत खराब, अधिकारियों से अनबन इस महीने आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है, टैक्ट और डिप्लोमेसी से काम करिए, जो मैंने आपको पहला वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहा है, दूरदर्शिता से काम करिए, लंबे गोल्स की तरफ टारगेट करिए, अपनी बात किसी को मत बताइए ज़्यादा जो आपके अंदर चल रही है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, जिससे भी बोलिए अपनी वाणी थोड़ी सभ्य रखिए, शुभ रखिए, बहुत एकदम से पैशनेट ना हो जाइए कि जैसे कहते हैं कि पैसा कमाना है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के लेवल तक चले जाएं, क्योंकि वो परेशानी का कारण बन सकता है, उससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है, कई रिलेशंस टूट सकते हैं, मित्रता में दरार आ सकती है, कोई गलत कामों की तरफ आप बढ़ सकते हैं, गलत संगत की तरफ बढ़ सकते हैं इस महीने, उससे आप अवश्य बच के रहिएगा। एजुकेशन आपको आगे ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो एजुकेशन के लिए भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ डिस्टेंट लर्निंग के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए अच्छा समय है अगर आप वो सोच रहे हैं तो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बड़े भाई से किसी प्रकार का झगड़ा मत करिएगा, नहीं तो वो विवाद बढ़ सकता है, पिताजी के साथ भी, अधिकारी के साथ भी, अचानक आपका ट्रांसफ़र हो सकता है नौकरी से, अचानक आपकी नौकरी जा भी सकती है अगर आप सही तरीके से डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं करेंगे या बहुत बेचैनी मन में महसूस करेंगे, कोई एकदम से आप वही मैंने आपको जो बताया था कोई रिएक्शन कर देंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे जिसकी वजह से जो है आपकी नौकरी की हानि हो सकती है। तबीयत का अवश्य ख्याल रखिए, चाहे ब्लड प्रेशर के कोई पेशेंट हो, चाहे पेट के संबंधित कोई समस्या हो, गर्मी है, लू लग जाना हो, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट्स हो, इन सब का अवश्य ख्याल रखिएगा, गिरने का, इन सब चीज़ों का। गलत लोगों से बिल्कुल भी व्यवहार मत रखिएगा, उनसे दूर रहिएगा। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो लोग किसी प्रकार के शोध में लगे हुए हैं, रिसर्चर्स हैं या डीप स्टडीज़ करने वाले हैं या PhD स्कॉलर्स हैं, इन सब तरीकों के लिए ये अच्छा समय है, कोई नई स्टार्ट, कोई नई ओपनिंग, कोई नई उनके लिए उपलब्धि इस महीने में जो है आती हुई नज़र आ रही है। बहुत मेहनत से आपको धन इस महीने आता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉस्पेरिटी बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, फैमिली में, लाइफ पार्टनर के साथ, घर आपका सुचारू रूप से अच्छे से चलता रहे। कोई देखिए उल्टे सीधे काम मत करिए,
पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का झगड़ा उपज सकता है, वहीं पे आपको कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी से प्राप्तियां भी होती संभव नजर आ रही हैं, जो आसानी से हो जाए वो आप अवश्य काम करिए। लड़ाई झगड़े का अगर कहीं आपको लगता है तो उनसे दूर रहिए। देखिए, आपकी इस जून के महीने में सूर्य ग्रहण भी जो है 8वें स्थान पे लगेगा, तो उससे बच के रहिएगा। वहां पे सूर्य, राहु और बुध जो है तीनों विराजेंगे, तो बुद्धिमत्ता से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, नहीं तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, या जहां आप काम करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, अधिकारियों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पिताजी के साथ किसी प्रकार का बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको लेके भी, उनके साथ भी। तो जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप सही रास्तों पर रहेंगे, जितना आप लड़ाई झगड़े से बच के रहेंगे, जितना आप अपने आप को सधे हुए तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे, कभी कभी कुछ ऐसा समय होता है चीज़ें नहीं बन रही होती हैं, तो हम लोग कुछ जो है आगे बढ़ के उसका करने की सोचते हैं कि भाई हमारे काम बन जाए किसी तरीके से, और उसी पैटर्न में फिर हम लोग कोई गलत काम कर जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ जाते हैं, और जो कल को हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इसलिए नौकरी की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, आप लोगों की पद है, पोजीशन है, उसकी हानि होती हुई दिखाई दे रही है, आपको बहुत बेचैनी रहेगी, एंग्जाइटी आपको इस महीने बहुत जून में रह सकती है वृश्चिक राशि वालों को, तो इसलिए कोई इस तरीके का काम मत करिए। अनर्गल किसी भी तरीके का लाइफ पार्टनर से अपने घर में, अपने परिवार में, आपके जो काम करने वाले साथ में एसोसिएट्स हैं, जो काम करने वाले आपके साथ पार्टनर हैं आप लोग, उनके साथ भी देखिए बड़े समन्वय बना के चलिए, कोई लड़ाई झगड़े का इस समय काम मत करिए, क्योंकि ग्रहों की पोजीशंस जो हैं बहुत सुंदर नहीं चल रही हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए इस महीने। कर्म पे अवश्य आप अपने ध्यान दीजिए, लेकिन धर्म पे भी अवश्य ध्यान दीजिए, जो सही चीज़ें हैं वो करिए, यात्राओं की तरफ बिल्कुल ना जाइए, बड़ों का सम्मान करिए, प्रभु की तरफ हमेशा जो है आप अपनी निगाह रखिए, विश्वास रखिए, आशा रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आशावादी आपका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही रास्ते पे काम करते हुए आपके कई अनएक्सपेक्टेड रूप से काम बन जाएंगे, कई बड़ी मुसीबतों से जो है आप बच जाएंगे सही रास्ते पे चलते हुए। ये वैसा ही समय है जब आप कहेंगे कि इस तरीके की परेशानी या कष्ट से प्रभु ने ही मुझको बचा लिया या हमको बचा लिया, तो ये ऐसा भी समय है। तो सही काम करेंगे, सही रास्तों पे चलेंगे, गलत लोगों से व्यवहार नहीं करना, कोई मदिरा सेवन या उल्टे सीधे लोगों के साथ बैठना, कोई मैनिपुलेशन, कोई फॉर्जरी, कोई चीटिंग, इन सब तरीकों की तरफ ना बढ़ना, आपका समय अच्छी तरीके से व्यतीत होगा। बच्चों के साथ भी आप देखिए अनुकूल रहिए, हो सकता है उनकी वजह से किसी प्रकार की आपको दुविधा हो, कोई परेशानी हो किसी भी प्रकार का, लेकिन बहुत सोच समझ के, बिना क्रोध के उन चीज़ों को हल करिए, तब आपके लिए ये महीना जो है रिलैक्स आपके लिए लेके आएगा, काम भी आपके बन जाएंगे, कहीं आपको बाहर से फायदे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पेशेंस से काम करेंगे, धैर्य से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे, तब आपका बल भी बढ़ेगा, बुद्धि भी आपकी सही रहेगी, आपका धन भी बढ़ेगा हर प्रकार से, आपके लॉस भी मिनिमम होंगे, तबीयत भी आपकी देखिए ठीक रहेगी, आपके कोई जो है वो दोस्त हैं, आपके कोई एग्रीमेंट्स हैं, एसोसिएशंस हैं लाइफ पार्टनर के साथ, किसी प्रकार की आपकी दिक्कतें भी नहीं होंगी, लेकिन अगर आप ये चीज़ें देख के नहीं चलेंगे तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ घर कर सकती हैं इस महीने आपको, और वो काफ़ी जो है आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, किसी प्रकार का आप लोगों को कष्ट इस महीने महसूस होता है, तो शिव जी की आराधना करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गणेश जी की आराधना आप लोगों को हर प्रकार के प्रॉफिट्स की तरफ रखेगी, और कुत्तों को कुछ ना कुछ अवश्य जो है खाने को आप लोग इस महीने देते रहिए, आप लोगों की कई प्रॉब्लम्स जो हैं टलती रहेंगी। कृष्ण शुभ ही करें आप लोगों के साथ। जय श्री कृष्ण।